मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ एंड इस बार सच में पुलिस ऑफिसर हूँ, प्रिटेंस नहीं है जैसा पिछली फिल्मों में था। आई फेल्ट रियली ऑनर्ड व्हेन द फायर फाइटर्स हु सॉ द फिल्म केम अप एंड सेड यू टोल्ड आवर स्टोरी एंड वी रिस्पेक्ट दैट। दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोस टू सैक्रिफाइस समथिंग और ये चीज बहुत अम्यूज करने वाली थी। 60 सेकंड दे चेंज, दे खाना खा रहे मुंह में, they change, they go, they get into the truck and then they go. Now wow. they don't know whether they are going, they are not told. Kitna intense situation hai kya? So mere character ka naam hai Sameet Sawant, wo ek super cop hai and very highly celebrated police officer hai. To मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ एंड इस बार सच में पुलिस ऑफिसर हूँ, प्रिटेंस नहीं है जैसा पिछली फिल्मों में था। एंड हाँ, बहुत मज़ा आया एक ऐसा किरदार प्ले करके, ऐसी सिचुएशन में प्ले करके जहाँ पे यू नो यू आर बीइंग सेलिब्रेटेड बट एट द सेम टाइम यू रियलाइज देयर इज दिस अदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इन सोसाइटी, और भी लोग हैं क्योंकि अल्टीमेटली आप एक फोर्स के ही पार्ट हैं, यू नो चाहे आप पुलिस हो, फायर डिपार्टमेंट हो, मिलिट्री हो, आर्मी हो, जो भी हो, उसमें अपने साथ वाले लोगों को रिकग्नाइज करना कि उनका भी काम इतना इम्पॉर्टेंट है, वो आई थिंक बहुत एक मज़ेदार चीज़ है। विद ऑल द यू नो ड्रामा, एक्शन, एवरी थिंग हैपनिंग अराउंड, यू नो दैट देयर वॉज अ यूनिक पॉइंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फेल्ट दिस वॉज इक्वली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो घर पे चलता है या बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द एक्चुअल सिचुएशन क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है। सो आई थिंक आई रिप्रेजेंट द फैमिलीज ऑफ फायर फाइटर्स एंड व्हेन आई एक्चुअली मेट द फैमिलीज एंड वाइव्स ऑफ द फायर फाइटर्स आई गॉट अ लॉट ऑफ इनपुट्स जो मैं यूज़ कर सकी एंड देयर वर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स ऑल्सो तो जो आपको फिल्म में देखने मिलेंगे। सो या पहले उतनी थी जितनी मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान की होगी, जितना उसका अटेंशन जाता है उस पर उतनी होगी। डिटेल में मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, बट ऑफ कोर्स जब प्रेप करना शुरू किया तो सारी चीज़ें पता चली उनके बारे में, कैसे उनका रहन सहन है, कैसे कितने करेजियस और कितनी ब्रेवरी के साथ वो लोग सब करते हैं और कैसे निगलेक्टेड भी हैं हमारे समाज में वो। तो मेरा पर्सपेक्टिव तो बहुत ज़्यादा बदला उस चीज़ को लेके। प्लस आपकी अटेंशन जब किसी चीज़ को जाती है तो आप हर जगह वो चीज़ देखने लग जाते हो। तो मैं जिस भी शहर में जा रहा था वहाँ मुझे फायर ब्रिगेड ही दिख रहा था। तो पहले जहाँ टेंशन आपकी नहीं जाती, ऐसी तमाम चीज़ें और भी होती जहाँ आपकी नहीं जाती। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए उनके लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं सोचता हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए से वो बदलाव जो हम सोच रहे हैं वो भी शायद आएगा उनकी ज़िंदगी में। नो फिल्म हैज़ बीन मेड ऑन फायर फाइटर्स एंड सो वी व्हेन आई फर्स्ट थॉट अबाउट इट आई जस्ट थॉट दैट इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट, इट लेंड्स इटसेल्फ ब्यूटीफुली सिनेमैटिकली and it's got great scope for me as a filmmaker to do various things including designing shots, creating fires, the sound design, you know, the VFX. So it just made a lot of sense to do it cinematically. Of course the message is larger, is very important, and the story of firefighters has never been told in India and I think it's long overdue. So yeah, so that's one of the reasons why we did it. And then when we wrote it, it's such an intense subject that we had to add various elements of layers of drama, humor, emotion to make it a packaging entertaining experience, because ultimately it's for cinema and people want to see a commercial drama. And that's because a film like this is extremely expensive to make. And so We had to add that, and actually the story is such that it can be very interesting. The banter between Prateek and Devendu is hilarious. I mean, there are some other characters. There's a minister who is very entertaining in the film, and then of course there are various other situations. There's a love track and stuff like that, and Sai and Prateek's wonderful chemistry in the film is great. So that's the film part. Why these actors? I think they're brilliant actors, and they bring a lot more to the film than was written. So when you see each scene, I see it actually, you know, when
the people who had read the script and when they saw the film, they said, wow, this has really gone to another level. And I'm like, yeah, that's because you have such wonderful actors. Thank you. And you have such a wonderful director of photography, and you have such wonderful technicians and crew. So that's one of the reasons why you take great actors, is so that your mediocrity doesn't show up that well. I felt really honored when the firefighters who saw the film came up and said, you told our story. Yeah. And we respect that. Yeah. So I think that was where the honor came in. Mera jo kirdar hai, us mein, when I think ki, you know, wives or women in these kind of families, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी बहुत एक्सट्रीम सैक्रिफाइसेस लाइफ में किए हैं, मे बी ऑफ देयर ड्रीम्स, मे बी ऑफ देयर स्लीप, लॉट ऑफ थिंग्स. 60 सेकंड दे चेंज, दे खाना खा रहे मुंह में, दे चेंज, दे गो, दे गेट इनटू द ट्रक एंड देन दे गो. नाउ दे डोंट नो वेदर दे आर गोइंग, दे आर नॉट टोल्ड कितना इंटेंस सिचुएशन है, क्या है. सो दे डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू कम बैक एवर, एवरी टाइम. एंड दिस कुड हैपन ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, व्हाटएवर टाइम, राइट. Now, every time they go, the wife, the family is at home. Though they, because they've been doing it every time, do you want to continue on that? No. Matlab, so, bhai ki, they are always on their toes to sacrifice something. Aur ye cheez bahut amuse karne wali thi. And so I represent, my character represents, I think, sacrifice. Yeah. But you know, it could be such a sinking feeling. No? It is, कि वो घंटी बजी और जो इंसान जा रहा है, चलो वो तो फिर भी एक्शन में, जो पीछे है वो तो एक्शन में भी नहीं है, उस इंसान को सिर्फ वेट करना है और होप करना है कि सब ठीक जाए. एंड एट द सेम टाइम दे हैव देयर नॉर्मल लाइफ टू लीड. नो मतलब बच्चे को स्कूल में भेज देना है, उसकी एग्जाम है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो सब दे कैन नॉट ब्रिंग दैट इन द वे ऑफ द अदर थिंग्स. Which is what we've tried to express in different forms in the film. Yeah. So I think ek pura family ko milke baith ke dekhne jaisi film hai, because there are it's not so intense as we keep saying it's a true blue Indian Hindi film. Right, hamara, yeah. You know, jo hum baat karte hain, action, drama, romance, comedy, everything's there. Yeah.